मूड है सीएम का? बहुत गड़बड़ है। कौन कौन बैठा है? वही रूटीन चलते हैं। ओ मिनिस्टर, पीपीएल ने सारे गुंडे पाल रखे हैं सेंट्रल जेल में। सर, हकीकत तो ये है कि सुपरिंटेंडेंट जेलर ललकार सिंह बीपीएल का खास आदमी है। सर, ललकार सिंह के आने से बीपीएल के गुंडों को हर सुविधा मिल जाएगी, जेल 5-स्टार होटल बन जाएगा सर। आप लोग चलिए, होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूं। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। प्रणाम चीफ मिनिस्टर। नमस्कार, बैठिए। थैंक यू। आपने जेल सुपरिंटेंडेंट ललकार सिंह का ट्रांसफर क्यों किया? उसे किस लिए सेंट्रल जेल में तैनात किया? अरे हमारी मर्जी साहेब, आफ्टर ऑल हम स्टेट के होम मिनिस्टर जो हैं, और वैसे भी ललकार सिंह हमारा बहुत खास है। सारे अव्वल नंबर के चोर डकैत भरे हैं उस जेल में। ठीक कहा आपने चीफ मिनिस्टर साहेब, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन ये सब लोग हैं होनहार गुंडे, पार्टी का मुश्किल का वक्त में ये सब गुंडे ही काम आते हैं, एसेट है पार्टी के लिए ये सब। क्या विचार है आपके होम मिनिस्टर? अरे विचार नहीं है चीफ मिनिस्टर साहेब, ये तजुर्बा है। अब देखिए, शरीफों के हाथों से राज नहीं चलता है, राज चलता है गुंडों और बदमाशों से। और जब आपने बात उठाए दिया तो एक बात हम भी कह देते हैं, ये जो आपके चेले चपाटे हैं, इनके साथ मिलके अगर आप हमारा विरोध करने की बात सोच रहे हैं तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ड्रॉप द आइडिया, नॉट गुड। ये सब के सब फ्यूज बल्ब है। अब हमारी बात भी सुनिए होम मिनिस्टर साहब, देश बदमाशों, गुंडों और दलालों से नहीं चलता है, देश चलता है हम जैसे शरीफ ईमानदार सिपाहियों से। एक हफ्ते के अंदर अंदर जेल सुपरिंटेंडेंट का ऑर्डर कैंसिल कीजिए। ये बुढ़ा तो सठिया गया रे। जिसने रोटी की इज्जत नहीं की, ललकार सिंह उसकी इज्जत नहीं करता। वो रात 12 बजे हुए। आहा, 12 बजे। आइए आइए भवानी प्रसाद जी, ये रात को इस समय बारात लेकर आए हैं। अरे चीफ मिनिस्टर साहब, ये बाराती थोड़े ही हैं, अरे आपके पुजारी हैं, आपका सम्मान करने आए हैं भैया। बस 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 बस, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इनसे कहिए कि हमारा मान सम्मान इन फूल मालाओं से नहीं होगा, वो अनाथ बेघर लोगों के लिए कुछ चंदा वंदा दें तो हम मानेंगे हमारा मान सम्मान किया गया। भाई वाह, आपने तो हमारे मुंह की बात ही छीन ली। अरे चीफ मिनिस्टर साहब, ध्यान से देखिए, आपके ये जो पुजारी हैं, हाथ में सिर्फ माला ही नहीं लाए हैं, आपके लिए कुछ जरूरी
तोहफा भी लाए हैं। ए भैया दे दो तोहफा। अरे दे दो। चीफ मिनिस्टर साहब की आत्मा को शांति प्रदान करे। चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय सत्य प्रकाश जी, जैसा नाम था वैसा ही उनका काम था। अरे कौन भुला सकता है उस छवि को। अरे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे वो। अरे काश कि हम ये सिर्फ 3 गोलियां नहीं खाते, जब 1, 2, 3 6 गोलियां खा लिया होते, अपनी छाती में छल्ली हो गए होते, हम मर गए होते। हमें गर्व होता अपने ऊपर कि हम सीएम साहब के लिए शहीद हो गए। हम सीएम नहीं बनना चाहता, हमें कुर्सी का मोह नहीं है। अरे अगर हमका कुर्सी का मोह होता तो ऐसे गोली खाते के सीएम को बचाने के लिए। हम सेनानी हूं, सेनानी। हम चाहता हूं कि आप लोगों का लॉटरी निकले, आप लोग लॉटरी निकाले, जो उसका नाम निकले वही बने सीएम। अरे भाई ये गुंडागर्दी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। हम सब भवानी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है। जेंटलमैन, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क का कानून और पुलिस दूसरे मुल्कों की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग और एफिशिएंट हैं। अब उन कातिलों को पकड़ना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने अपनी ऑफिसर नीतू सिंह को मुंबई भेज दिया। हेलो सर, मैं दिल्ली से मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भाई। नीतू सिंह नाम की ऑफिसर इस केस के सिलसिले में बॉम्बे आ रही है। तुम क्या समझ रहे थे मैं तुम लोगों से डर के भाग रही थी? नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि तुम में से कोई भी मेरी मर्जी के बिना जिंदा बचे, इसलिए मैंने तुम सबको भगाकर यहाँ लाकर अंदर बंद कर दिया है। अब तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे, तुम्हारी लाशें जाएंगी। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। मुझे मारने के लिए कितने पैसे मिले थे? कुछ नहीं। बोल। 5 लाख। किसने भेजा तुम्हें? होम मिनिस्टर बीपीएल ने। सीएम मर्डर के वक्त ड्यूटी पर पुलिस ऑफिसर कौन था? मैडम, उन्हीं के पार्टनर मिस्टर एसपी वाघमारे। पार्टनर? मैडम, डिपार्टमेंट के सभी करप्ट ऑफिसर्स को होम मिनिस्टर साहब अपने धंधे में पार्टनर बना लेते हैं। वो सब तो ठीक है मैडम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, होम मिनिस्टर से उलझने से पहले आप 10 बार सोच लीजिए। मेरी चिंता छोड़ दीजिए, आप लोग ईमानदारी और वफादारी से मेरा साथ दीजिए, कामयाबी हम हासिल करके रहेंगे। जी आप? मैं सीबीआई ऑफिसर नीतू सिंह दिल्ली से। मैं जरा साहब से बात कर लेता हूँ। सर, वो एक सीबीआई ऑफिसर दिल्ली से आई, आपसे मिलना चाहती है सर। तो क्या हम उनसे डरते हैं? ऊपर भेजा उसको। यस सर। क्या हुआ साईं?
सीबीआई की अफसर आई है सीएम के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्या करेगी? कुछ नहीं, आपको पकड़ लेगी। वेलकम मैडम। मैडम नमस्कार, आप आई है सीएम साहब के मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के। मैडम सीएम साहब बहुत ही नेक, बहुत ही पूजनीय इंसान थे और सबसे बड़ी बात हमको बहुत करीब थे। उनके जाने से अब टूट गया हूँ मैडम, अब टूट गया हूँ मैडम। देखिए आपका ये भाषण हम टीवी पर देख चुके हैं और सुन चुके हैं, आप ये बताइए कि इस केस में आप हमारी कहाँ तक मदद कर सकते हैं? मदद मैडम, हम अपना जान दे सकता हूँ सत्यप्रकाश जी के कातिलों को पकड़ने के लिए, जमीन और आसमान हम एक कर सकता हूँ। लेकिन मैडम हम जानना चाहता हूँ कि आप आने का तकलीफ काहे की है? अरे आप तो जानती है हमारे स्टेट का पुलिस फोर्स पूरी इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। हाँ लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या करें? माफ कीजिएगा, हम आपका जुमला कुछ समझा नहीं। हम समझा देंगे, वो कहने कि ईश्वर की असीम कृपा से जो काम हम अपने हाथों में लेते हैं उसमें कामयाबी हासिल कर ही लेते हैं। सच, आप देखिए 90 दिनों में आपके दोस्त सीएम के कातिल को हम आपके पास ले आएंगे। अरे वाह 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 वाह, आपका कॉन्फिडेंस देख के लगता है कि कातिल आप ही के जेब में है। जेब में ना सही लेकिन बहुत करीब है। मेरा मतलब है कि अब आपका साथ हो ही गया है तो कातिल हमसे बचकर कहाँ जाएगा? हाँ जी कहाँ जाएगा। चलो हाँ जी, हाँ नमस्कार। मैडम चाय पानी कुछ? अब चाय कहाँ, मैडम तो आपका बीन बजा के चली गई। माँ नीतू तू आ गई, वो लोग कौन थे माँ? ये तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोग थे, मेरे मना करने के बावजूद ये पार्सल रख गए। मेरे डिपार्टमेंट के लोग? हाँ बेटी। हेलो, होम मिनिस्टर भवानी प्रसाद लल्ला बीपीएल बोल रहा। ओ भवानी प्रसाद उर्फ ऑनरेबल होम मिनिस्टर, हमारे घर पहुंचने से पहले ही आपका तोहफा हम तक पहुंच गया। ये तो हमारा स्टाइल है मैडम। वो क्या है कि आपका जो अंदाजे बयां है वो बीपीएल को बहुत पसंद आया, हम बहुत खुश हुए, इसलिए आपके लिए प्रसाद का एक छोटा सा तोहफा हम भेज दिए। जरा नवाजी का शुक्रिया, इतने ही मेहरबान है तो एक और मेहरबानी हम पर कीजिए और अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। क्या मतलब? मतलब समझाने की हमें जरूरत नहीं है, दोबारा भूल से भी ऐसी गलती मत करना वरना हमें भी आपके लिए एक तोहफा भेजना पड़ेगा जिसमें आपके खूबसूरत हाथों के लिए हथकड़ी होगी। और हाँ, अपनी कलाई का माप जरूर भेजना, आगे हम समझ लेंगे। फोन रखते हैं हम। आइए माजी, संभल के। फातिमा बहन, फातिमा बहन। शांति बहन तुम कब आई? हमें खबर कर ली थी तो हम तुम्हें स्टेशन लेने आ जाते ना। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि खबर करने को वक्त ही नहीं मिला। आइए ये बैठिए ना, संभल कर आराम से। ऑफिस के किसी काम से नीतू को यहाँ आना पड़ा इसीलिए आ गए। अच्छा अच्छा, कैसी है नीतू बिटिया? बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी सीबीआई ऑफिसर बन गई है। अल्लाह बड़ा है, तुम जैसी माँ की बिटिया को तो बड़ी अफसर ही बनना था। और आप बताओ रसिया कैसी है? अच्छी है, कॉलेज गई है। अच्छा, और बेटा हमारा कैसा है? क्या हुआ बहन, अब खामोश क्यों हो गए? बताइए ना, हमारा हुसैन कैसा है, कहाँ है वो?
ना किए हुए गुनाह की सजा काट रहा है मेरा बेटा। जमाना ही बदल गया है बहन, चारों तरफ खून खराबा, लूट मार, ईमानदारी और वफादारी का तो नाम ही नहीं रहा। पर तुम फिक्र ना करो बहन, मेरी नीतू बहुत बड़ी अफसर है, मैं उसे कहकर हमारे हुसैन को छुड़वा लेंगे। और कितने एहसान करोगे तुम मुझ पर? दोस्ती और भाईचारे के बीच में एहसान की बात करके मुझे अपनी नजरों से मत गिराओ। तुम तो मेरी बचपन की सहेली हो बहन, तुम्हारी कुर्बानी भाईचारे की मिसाल है। काश की बात इस देश के हर हिंदू और मुसलमान की समझ में आ जाए। वो दिन भी जरूर आएगा, खुदा करे ऐसा ही हो। जरूर होगा। कहिए। मैं नीतू सिंह हूँ, दिल्ली से आई हूँ। मेरी माँ और आपकी माँ बहुत अच्छी सहेलियाँ हैं। आप शांति मौसी की बेटी हैं? जी हाँ। अम्मी जान अक्सर आप लोगों का जिक्र किया करती हैं। हमारे घर में भी अक्सर आप लोगों का जिक्र होता है, बहुत तारीफ करती है मेरी माँ आप लोगों की। जानते हैं जब माँ बम्बई आई तो सबसे पहले अम्मी जान से मिलने गई आपकी, और माँ को बहुत अफसोस हुआ आपके बारे में सुनकर। मैं आपके दुख में शरीक होना चाहती हूँ, कुछ बताएंगे आप? बताने को रही क्या गया है, जितनी सजा थी कट गई, अब तो रिहाई का वक्त है। भवानी प्रसाद के बारे में क्या जानते हैं आप? उसके साथ तो बहुत लंबा हिसाब है। फॉलो मी। एक एक ट्रक को अच्छी तरह से चेक करो, जल्दी चेक करो, अच्छी तरह से चेक करना। क्या बात है इंस्पेक्टर? खबर मिली है कि ट्रकों में भरकर हथियार ले जाए जा रहे हैं। चेकिंग चेक। ये तो रोज का लफड़ा है, करे कौन भरे कौन। चलो जल्दी से कर लीजिए, हुसैन अपने वक्त का पक्का है। क्या बात है इंस्पेक्टर? सर, खबर मिली है कि ट्रकों में भरकर अवैध रूप से हथियार ले जाए जा रहे हैं। वो खबर गलत है, मलाड में ट्रक पकड़ी गई है, जाने दो इन्हें। नहीं सर, ये इन्फॉर्मेशन पक्की है, इन्हीं में से किसी एक ट्रक में हथियार भरे हुए हैं सर। मैंने कहा आप मुझे, मैंने कहा ना यहाँ कोई हथियार नहीं है। सर मुझे चेक तो कर लीजिए। दिस इज माय ऑर्डर, जाइए आप। सर जाइए आप। सलाम सर। जाइए। कुछ तो गड़बड़ है। बोल रहा हूँ भवानी भाई, बागमारे बोलतो है। हाँ क्या बात है बागमारे? तेरा हथियारों से भरा ट्रक चेक पोस्ट से पार करवा दिया मैंने। फिर तो नो प्रॉब्लम, तुम्हारे कमीशन का 5 लाख तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। बोलो। जो ट्रक निकलवाता है उसका 5 लाख, लेकिन जो जिंदगी को दांव पर लगाकर ट्रक को पहुंचाता है उसका कितना? का मतलब? आज पता चला भवानी कि तू जितना ऊपर से काला है उसे कहीं ज्यादा तू अंदर से काला है। गेहूं की गोनियों में बंदूकें, आटे की गोनियों में RDX, मोटर पार्ट्स के डब्बे में हैंड ग्रेनेड्स, मौत की सौदागरी का सबसे बड़ा दलाल निकला तू। इसका मतलब है हमारी जनपत्री तुम देख ही लिए। चलो ये भी अच्छा हुआ हम दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं है, मिल बांट कर धंधा करेंगे। गुड लक का 5 लाख तुम भी थामो। ये तो आज का हिसाब हुआ। 6 साल की नौकरी में तूने हुसैन से अनजाने में ना जाने कितने हथियारों की तस्करी करवाई, बारूद के ढेर से ना जाने कितने लोगों की हत्या हुई, औरतें कितनी विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए, उन सब बेगुनाहों की जिंदगी की कीमत कौन चुकाएगा? अबे अंगुली दिया तो पोछा पकड़ता है, एक गोली तेरे कनपटी पर धरेंगे बिना आवाज के ढेर हो जाएगा। 22 रुपए में काम तमाम। मुझे तो 22 भी नहीं खर्चने पड़ेंगे, हुसैन का एक घूसा और तेरी खोपड़ी के 22 टुकड़े।
इतनी आसानी से तुझे नहीं मारूंगा। इसी बारूद के ढेर से तेरी चिता चलेगी। हथियारों से भरा हुआ ट्रक मैं पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूं। भगवारे, हमारी बात सुन ध्यान से। चल, कौन है तुम लोग? चल, छोड़ दो मुझे। अल्लाह, क्या होगा? तुम फिक्र मत करो खाला, हुसैन भाईजान अभी आते ही होंगे, रजिया को कुछ नहीं होगा। अल्लाह, हुसैन, अमीजान, अमीजान, क्या हुआ अमीजान? हाँ, अब रो क्यों रही हैं? क्या बात क्या है? मैंने तेरी बहन को गुंडे उठाकर ले गए। गुंडे? परेशान मत कीजिए, हम तो वैसे भी रात भर से परेशान हैं। परेशान तो तुम लोगों ने कर रखा है। नहीं साहब, आपको गलतफहमी हो गई है, हम तो ईमानदारी और सच्चाई की जिंदगी जीने वाले गरीब लोग हैं साहब। बकवास बंद कर, हमें अपना काम करने दो। साहब साहब, ये देखिए AK-47 मिली है। क्या है? क्या है? अल्लाह जानता है, हमें कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम, ईमानदारी और खुददारी की जिंदगी जीते हो। सच्चाई ये है कि तुम लोग गैर कानूनी हथियारों की तस्करी करते हो। नहीं, हम पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम नहीं, सच्चाई है ये। तुम लोग अपने मतलब के लिए अपना ईमान बेचते हो, अपना वतन बेचते हो। नहीं, अपनी जुबान को लगाम दो साहब। मैं समझ गया आप लोगों की साजिश को। जिन हथियारों को मैं भवानी प्रसाद की मौत बनाना चाहता था, उन्हीं हथियारों की ढाल बनाकर आप मुझे फंसाना चाहते हैं। ये सब क्या है बेटा? ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। तेरा बेटा देश का दुश्मन है। दंगे फसाद करवाने वालों को यह हथियार सप्लाई करता है। और वैसे भी तुम लोगों के पास है क्या? या तो AK-47 है, या इस देश के लिए नफरत है। ASP, ये नफरत तुम जैसे बेईमानों ने अपने स्वार्थ के लिए पैदा की है। हर इंसान पहले हिंदुस्तानी है, फिर बाद में मुसलमान या हिंदू। इस देश की आजादी के लिए जितना खून हिंदुओं ने बहाया है, उतना ही खून मुसलमानों ने बहाया है। अरे बंद कर ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को बांटने का खेल, क्योंकि जिस दिन इस जनता को ये खेल समझ में आ गया ना, उस दिन तुम्हें अपना सर छुपाने के लिए ये जमीन भी कम पड़ेगी। अगर अब भी तुम एक सच्चे हिंदुस्तानी हो तो जाकर अरेस्ट करो उस भवानी को जिसके तुम दलाल हो। तमाम गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम हुसैन अवैध हथियारों का धंधा करता है, लिहाजा अदालत मुजरिम हुसैन को 5 साल की सेक्शन 25 आम सेक्ट के तहत बामुशक्कत सजा देती है। Now the court is adjourned. Ah.
देख लिया भवानी प्रसाद लल्ला से टकराने का अंजाम। अपनी बर्बादी का बीज तूने बोया है, फसल मैं काटूंगा। जेल से छूटते ही तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। खुदा हाफिज। इंस्पेक्टर वर्मा, कहिए। मैं सीबीआई ऑफिसर नीतू सिंह। आइए आइए बैठिए बैठिए। आपको गोली लगी, इस बात का बहुत अफसोस हुआ। ताज्जुब है आजकल पुलिस वाले ही पुलिस वालों पर गोलियां चला रहे हैं। वो सब ठीक है, मगर आप मेरे पास क्यों आई हैं? सीएम मर्डर केस के चश्मदीद गवाह हैं आप, और फिर आपके साथ भी तो ज्यादती हुई है। क्या किया है पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे लिए? अरे मेरे पति को गोली लगी और कोई पूछने भी नहीं आया। हाँ मैडम, आप जाइए मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप हमारे पर रहम कीजिए। मैडम प्लीज, मैडम इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। मैडम प्लीज आप जाइए, प्लीज मैडम हम पर रहम खाइए। बस करो मैडम, ठहरिए मैडम। सीएम का मर्डर होम मिनिस्टर भवानी प्रसाद की साजिश थी। और तुम पर गोलियां किसने चलाए? एसपी वाघमारे ने। थैंक यू वेरी मच। मर्यादा में रहकर बात करो ऑफिसर, हमारी पोजीशन भी तुमसे कम नहीं है। आपकी पोजीशन का ख्याल करके ही मैं आपसे अदब से बात कर रही हूं, वरना। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, घबराइए नहीं, बैठ जाइए। तरस आता है आप पर, हर सबूत है मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का। वाघमारे साहब, अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए, इसी में आपकी इतनी पावर तुम्हारे पास है ना, मेरे पास भी है। अगर हम लोगों को उनके ना किए हुए गुनाहों की कानूनी सजा दिलवा सकते हैं, तो अपने आप को कानूनी दावपेच से बचाना बाएं हाथ का खेल है। और वैसे भी लोगों को फंसाने में हम माहिर हैं, इसलिए हमसे टकराना नहीं, वरना दिल्ली से जिंदा आई हो कफन बॉक्स में लाश भिजवा दूंगा। खराब हो गया का? अरे जिसकी तुम बात कर रही हो वो बहुत ही ईमानदार, होनहार और अच्छा अफसर है हमारी स्टेट का, वो काहे मारेगा इंस्पेक्टर को भाई? क्योंकि इंस्पेक्टर वर्मा सीएम मर्डर केस का चश्मदीद गवाह था। ठीक है, कोई इंस्पेक्टर मर गया, उसका कत्ल हो गया, उसको किसी ने मार दिया, लेकिन जरूरी थोड़े ही है कि बाघमारे ने ही उसे मारा। सर, सारी वारदात मेरी आंखों के सामने हुई है, कोई और उसे क्यों मारेगा? ए मैडम, EBPL भवानी प्रसाद लल्ला का स्टेट है, कोई तुम्हारा दिल्ली नहीं। यहाँ पर तुम मेहमान बनकर आई हो, मेहमान बनकर ही रहो, मालकिन बनने की कोशिश मत करो। और एक बात सुन लो, ये जो तुम ख्वाब देख रही हो ना कि तुम्हारे कंधों पर और तमगे लगाओगी, वो भूल जाओ, वरना जो तमगे लगे हुए हैं वो भी उतर जाएंगे और तुम्हारी वर्दी को तुम्हारा कफन बनाकर तुम्हें शमशान पहुंचा दूंगा हम। और नीतू सिंह जब कोई मिशन पर निकलती है तो कफन अपने साथ लेकर चलती है, या तो दुश्मन को पहना देती है या खुद पहनकर देश पर शहीद हो जाती है। चीफ मिनिस्टर का खून आपकी साजिश थी, क्योंकि आप सीएम बनना चाहते थे। ए सड़ा खामोश, बहुत बोल ली तू, अब मेरी बात सुन। तेरे उस स्वर्गीय सीएम को किसने मरवाया?
हमने भवानी प्रसाद लल्ला ने मरवाया। अब कर ले जो तू करना चाहती है, लेकिन एक बात याद रख, अपनी अम्मा को जरूर बता दियो, जो पहले ही अपने देशभक्त पति को खो चुकी है, कि बहुत जल्द वो अपनी इस औलाद से भी हाथ धोने वाली है। Now get out. I will get out, but I will also get you hanged for this. कौन? नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मैं विक्रम, आपकी बेटी के साथ ऑफिस में काम करता हूँ। अच्छा, मगर वो तो घर पे नहीं है। जानता हूँ माँ जी, वो दिल्ली गई हुई है। अरे आपकी बेटी तो बहुत होनहार ऑफिसर है, सीएम मर्डर की गुत्थी तो उन्होंने यूं सुलझा दी। हाँ, वो इसी सिलसिले में दिल्ली गई है, कह रही थी कि सीएम मर्डर की कातिल का पता चल गया है। मगर एक बात तो बताओगे, ये भवानी प्रसाद खुद सीएम क्यों नहीं बना? इसमें भी उसकी चालाकी है सर। वो अच्छी तरह जानता है कि अगर वो फॉरेन सीएम बन गया तो मीडिया और कानून उसे जीने नहीं देगा, इसलिए उसने अपने मामूली से आदमी को सीएम बना दिया, सिर्फ इसलिए कि कलम उसकी चलती रहे लेकिन स्याही भवानी प्रसाद की हो। बेटे तुम चाय पियोगे, कॉफी पियोगे? नहीं माँ जी, बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। अच्छा मैं लाती हूँ। सर, मैं बहुत जल्द भवानी प्रसाद और उसके साथियों को कानून के सामने एक्सपोज कर दूंगी। आइए माँ जी। लो बेटा, लो। वाह, क्या रंगरेलियां मनाई जा रही हैं? ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? शर्म नहीं आती हा? कानून के रखवालों की मां होकर एक मुजरिम से इश्क फरमा रही है, वो भी इस उम्र में? क्या बकवास कर रहे हैं आप? कौन हैं आप? एसपी वाघमारे। और मैडम, जिस आदमी से आप इश्क फरमा रही हैं वो जेल से भागा हुआ मुजरिम है, पता नहीं कितने जुर्म किए हैं इसने। ले चला से, चल अब। ए, क्या? चल। सुनिए, सुनिए। माजी, माजी, हाँ? वो अपनी नीतू सिंह मैडम है ना, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं नीतू सिंह से कुछ सवालात पूछने से पहले अदालत के सामने कुछ सबूत, कुछ गवाह पेश करना चाहता हूँ, जिसे देखने और सुनने के बाद अदालत बहुत जल्दी अपने नतीजे पे पहुंच जाएगी। मेरा पहला गवाह है टाटिया। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। भाई, कितनी बार जेल जा चुके हो? कुछ याद नहीं, गिनती थोड़ी ही करता हूं। हाँ बराबर है, एक दो बार गया तो आदमी गिनती कर सकता है, जिनका रोज आना जाना है उनको गिनती कहाँ याद रहेगी। ये सब काम जिसे आप गुनाह समझते हैं, ये मेरा धंधा है। जिंदगी में कभी हमारा भी ऐसा काम पड़ा तो करोगे? करेंगे साहब, मगर इसके लिए आपको हमारे पार्टी हाईकमान से बात करनी पड़ेगी। कौन है तुम्हारा हाईकमान? पार्टी हाईकमान कौन है ये तो मैं नहीं जानता, मगर मेरा हाईकमान वो है सामने, कैप्टन नीतू सिंह। हाँ तो बताओ कि तुम नीतू सिंह के परिवार में किस किस को जानते हो? इनकी माँ को जानता हूँ, और जब भी पुलिस से बचना होता है तो मैं इनकी मां के पास चला जाता हूं। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठहरिए वकील साहब, इतनी भी जल्दी क्या है, कुछ हमें भी बोलने का मौका दीजिए। योर ऑनर, मैं टाटिया से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सर। टाटिया, तुम एक्टर तो बहुत अच्छे हो,
और बड़ी अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हो। अब ये बताओ कि एक्टिंग करने के लिए तुमने कितने पैसे लिए थे? मैंने ड्रामा नहीं किया, जो कुछ भी कहा सच कहा। सच नहीं, झूठ कहा है तुमने। योर ऑनर, यह आदमी पेशावर मुजरिम है, चोरी डकैती लूट खसोट हत्या अपहरण ये इसका पेशा है और जेल से भागा हुआ मुजरिम है। ऐसे आदमी की गवाही कोई अहमियत नहीं रखती है। ये पैसे की खातिर एक नहीं 1000 झूठ बोल सकता है। मैं अपने मुअज्जिज दोस्त से दरखास्त करूंगा कि अगर इनके पास कोई ठोस सबूत हो तो अदालत के सामने पेश करें। एक नहीं कई सबूत है, कई सबूत है। मिलॉर्ड, मैं पुलिस ऑफिसर वाघमारे को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। हाँ जी एसपी साहब, आप स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी के चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज थे और आपने हत्यारों को गिरफ्तार भी किया था, तो आप अदालत को बताएंगे कि हत्यारों को कैसे और कहां गिरफ्तार किया था? योर ऑनर, ये जो औरत नीतू सिंह कटघरे में खड़ी है असली मुजरिम यही है। लेकिन आपके इस बात को अदालत कैसे मानेगी? हमारे वकील दोस्त कैसे मानेंगे कि ये बात सही है? कोई सबूत है आपके पास? सबूत है वकील साहब, और बहुत ही ठोस सबूत है। तो काराम, योर ऑनर, यह है वो पिस्तौल जिससे स्वर्गीय मुख्यमंत्री साहब की हत्या की गई, और यह है वो रिपोर्ट जिससे यह साबित होता है कि हत्या इसी पिस्तौल से की गई। योर ऑनर, इस पिस्तौल पर मिले हुए उंगलियों के निशान इस औरत के साथी आतंकवादी टांटिया के हैं जिसे इसके घर से गिरफ्तार किया गया। प्लीज। एनी क्वेश्चन? एसपी साहब, ये बताइए कि जब आपने नीतू सिंह के घर से टाटिया नाम के टेररिस्ट को गिरफ्तार किया जी, तो क्या उस वक्त नीतू सिंह घर में थी? जी हाँ, वो दिल्ली में थी जी। इसका मतलब ये है कि वो शहर में नहीं थी, और आप ये भी जानते हैं कि उसकी माँ अंधी है। जी हाँ। योर ऑनर, माँ के अंधेपन का और नीतू सिंह के घर में ना होने का फायदा उठाकर एक मनगढ़ंत कहानी को हकीकत का रूप देने की कोशिश की जा रही है। आप तशरीफ रखिए जी। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं शांति देवी को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। शांति देवी, आपके घर से जिस टाटिया नाम के आदमी को गिरफ्तार किया गया है, क्या उसके बारे में आप कुछ जानती हैं? मैं कुछ नहीं जानती। तो फिर ये आदमी आपको कब और कहां मिला? वो नीतू से मिलने हमारे घर आया था। घर आया था इसलिए इंसानियत के नाते मैंने उसे पानी पूछा। मैं पानी लाने अंदर ही गई थी कि पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। योर ऑनर, शांति देवी के अंधेपन का फायदा उठाकर इनके घर में टाटिया को भिजवाना, पिस्तौल रखवाना और टाटिया से ये कन्फेस कराना कि नीतू सिंह ही चीफ मिनिस्टर के हत्या की जिम्मेदार है। ठीक है, ऐसा हो सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मिलॉर्ड, मैं शांति देवी से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। शांति देवी जी, अभी अभी आपने कहा कि टाटिया आपके घर नीतू से मिलने आया था जी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको बिठाने की क्या जरूरत थी जी? नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि उसको प्यार से बिठाने की, पानी पिलाने की क्या जरूरत थी? कहीं आपका और उसका Stop this nonsense! बहुत हो चुका। अब तक मैं कानून के नाम पर चलने वाली इस नौटंकी को देखती रही, लेकिन अब मैं इस केस को पूरी तरह जान गई और अच्छी तरह समझ भी गई हूं। मुझे ये भी मालूम है इस केस का फैसला क्या होगा।
लेकिन जज साहब मैं आपके सामने एक बात कहना चाहूंगी कि आपके इस फैसले से सीएम मर्डर केस की फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जज साहब अफसोस इस बात का नहीं है मुझे कि मुझे सजा होगी, सजा तो मैं काट लूंगी। हाँ अफसोस इस बात का जरूर रहेगा कि असली मुजरिम कितनी आसानी से कानून को धोखा देकर बाइज्जत बरी हो जाएगा। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। पूरी तरह से फंस गई। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह साबित होता है कि चीफ मिनिस्टर सत्य प्रकाश की हत्या टांटिया ने की है, लिहाजा यह अदालत मुलजिम टांटिया को हत्या के जुर्म में जेरे दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। जिस हथियार से हत्या की गई वह हथियार नीतू सिंह के घर से बरामद हुआ है और मुलजिम टांटिया के बयान से साफ जाहिर होता है कि नीतू सिंह भी उस हत्या में शामिल थी। लिहाजा यह अदालत नीतू सिंह को मुजरिम करार देते हुए 5 साल कैदे बामुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। मैं नीतू की माँ बोल रही हूँ। हाँ भाभी जी, नीतू के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं खास तौर से दिल्ली से इसी काम के लिए आया हूं। मैं नीतू को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप हिम्मत से काम लीजिए, आप तो बहुत ही बहादुर बेटी की माँ है। अच्छा नमस्ते। हेलो हेलो, न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। तुझ पर तरस खाकर यहां पर आया हूं। अफसर से अफसर की वफादारी निभाने आया हूं। वफादारी की बातें गद्दारों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। अब तो तुम्हारी गालियां भी मुझे फूल जैसी लगती हैं। खूबसूरत हो, जवान भी हो, जेल में पड़ी पड़ी सड़ जाओगी। पानी के बिना जिस तरह पौधा मर जाता है ना, ऐसे तो मर जाओगे। अरे अपने बाग का माली बना ले मुझे, सींच सींच के हरा भरा रखूंगा वे। इस वक्त तुम शराब के नशे में धुत हो, अपने होश में नहीं हो। जब होश में रहोगे ना तो मुझे बोलने में मजा आएगा और तुम्हें सुनने में। इस वक्त चले जाओ यहां से। मैं यहां से जाने के लिए नहीं, तुम्हें पाने के लिए आया। और जो चीज हमें प्यार से हासिल नहीं होती ना, उसे हम छीन लेते हैं या फिर उसे मिटा देते हैं। ओए हमें मिटने की नहीं, मिटाने की आदत है।
पानी बंद करो। मंत्री जी। हाँ बोलता हूँ। नीतू सिंह के देखिए अभी हम बहुत बिजी लगता हूँ, रखता हूँ। अरे देखा दिलरुबा दिल्ली वाली भवानी प्रसाद लल्ला का पावर। अरे तू तो 90 दिनों के अंदर सीएम के किलर का पर्दाफाश करने वाली थी। लेकिन हमने तो 9 दिन में तुझे ही किलर साबित कर दिया।
अदालत में मेरे खिलाफ झूठी गवाही देता है साले। तेरे जैसे बदमाशों से तो मैं रोज निपटती हूँ। सीएम का मर्डर मैंने किया था? नहीं। किसने किया था बता, किसने किया था? अगर बताऊंगा तो वो लोग मुझे मार देंगे। नहीं बताएगा तो मैं तुझे मार डालूंगी। बता बता। भवानी प्रसाद ने करवाया। चल यही बात तुझे अदालत में कन्फेस करनी होगी। चल खबरदार के आगे बढ़ा तो। मूव मूव। तू इस जेल में आया हुए हमेशा कोई ना कोई लड़ाई, कोई ना कोई हंगामा, और आज तो तूने हद कर दी। पुलिस वाले पे हाथ उठा दिया हुए। मैं अपने हाथ दो ही वक्त उठाता हूं, दुआ के लिए जो मेरा ईमान है, और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए जो मेरा इश्क है। और इश्क करने से आप क्या जमाना भी किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन कानून तुझे रोकेगा और तेरे इश्क की तुझे कड़ी से कड़ी सजा भी देगा। साडा ना जेलर ललकार सिंह है, जुल्म की ऐसी आग बरसाऊंगा कि जलकर धुआं हो जाएगा। ओए ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, मेरी बात मानिए, एक गिलास ठंडा पानी मंगवाकर पी लीजिए। मेरी बातों को मजाक में उड़ाने की कोशिश न कर, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी देता हूं, और अपने इश्क को काबू में रख, नहीं तो मैं तेरे जेल का रिकॉर्ड खराब करके तेरी सजा दुगनी करवा देंगा। ओए तू तो हर रोज मेरी सजा खत्म होने की दुआ करता है, मेरे यहां से जाने के बाद मेरे यहां ना आने की दुआ करता है, सजा क्या दुगनी करेगा? अपनी जबान को लगाम दे, नहीं तो मैं तेरा नामो निशान मिटा देंगा। ओए मेरा मुहाफिज है खुदा, तो फिर है कौन जो मुझको उठा सके? तेरी क्या औकात है जो जहां से मुझे मिटा सके? खुदा हाफिज। अरे क्या कर रहे हो भैया, अगर पुलिस वाला टाइम पर नहीं पहुंचती तो हम लोगों की तो खटिया खड़ी हो जाती, बर्बाद हो जाते भाई हम। अरे उसने यार यहाँ पे टाटिया की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख के सब कन्फेस करवा लिया। ये नीतू सिंह तो सीएम मर्डर केस का पर्दाफाश करके रह गए। मीठी आवाज तो बोलो भाई, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे सीबीआई की आला ऑफिसर है वो, कुछ भी करेगी, किसी भी हद तक जाएगी वो। ठीक है फिनिश कर दो उसको। अरे गोली मार दो ससुरी को, कहना कि जेल से भाग रही थी। अरे भाई तू तो जेल का मालिक है, एक बात बता वो टटुआ उसके काबू में कैसे आया? हुसैन की वजह से। हुसैन? अरे वही हुसैन जो तेरी जान का दुश्मन है। ओए हुसैन, मुझे तो 22 भी नहीं खर्चने पड़ेंगे, हुसैन का एक घूसा और तेरी खोपड़ी के 22 टुकड़े। अपनी बर्बादी का बीज तूने बोया है, फसल मैं काटूंगा, जेल से छूटते ही तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। ये लीजिए। अल्लाह खुश रखे। नूरहीम आप भी। शुक्रिया।
चाची, आज का दिन तुम कभी नहीं भूलती। कैसे भूलेंगी, आज हुसैन का जन्मदिन जो है। आप सब मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह सलामत रखे आपके बेटे को। आमीन। हुसैन भाई, तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हो गया। मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तू कोई डॉक्टर तो है नहीं जो उसे अच्छा कर देगा, फिर मिलने से क्या फायदा होए? ललकार सिंह जी, मेरी बहन मुझे देखते ही ठीक हो जाएगी, मुझे जाने दीजिए। क्यों, तेरी गरजती हुई आवाज क्यों कांपने लगी? अब तो तू गिड़गड़ाएगा, हाथ पैर भी जोड़ेगा, मेरे तलवे भी चटेगा, ओए, फिर भी मैं तेनू बाहर नहीं जान देंगा। चिलर साहब, वो मेरी बहन है, अगर कहीं उसे ओ तू कुछ भी कर ले, मैं तेनू बाहर नहीं जान देना। चिलर साहब, आप बेशक मेरे साथ दो कांस्टेबल भेज दीजिए। मैं दो नहीं, चार भेजूंगा तेरी बहन का जनाजा उठाने के लिए। जब से जेल में आया है, हम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जेल और जेलर को खिलौना समझता है। खिलौना तो अब इसकी जिंदगी बनेगी, इसी के खून के साथ इसकी दास्तान लिखूंगा। ऐसा सलूक करूंगा कि ये फिर किसी जेलर के साथ पंगा नहीं लेगा। ओए, दाएं से शुरू करूं या बाएं से? चमड़ी खींचो इस खाने की।
सर। क्यों हुसैन, कैसा लग रहा है? लोगों का बड़ा मददगार बन रहा था है? अब देखता हूं तेरी बहन को कौन बचांदा है। ओए अल्लाह बचाएगा। हो खुदा तेरा मुहाफिज है, खुदा दामन थाम ले बंदे। चश्मे करम कर दे मौला, दामन मेरा भर दे मौला। चश्मे करम कर दे मौला, दामन मेरा भर दे मौला। जिसने तुझे पुकारा मौला, उसको मिला सहारा। दामन भर दे भर दे, ओ दामन भर दे भर दे। चश्मे करम कर दे मौला, दामन मेरा भर दे मौला। कमजोरों की ताकत है तू, मायूसों में हिम्मत है तू। कमजोरों की ताकत है तू, मायूसों में हिम्मत है तू। दोनों जहां की रहमत है तू, दोनों जहां की रहमत है तू। मुझको बन जा मेरा सहारा। दामन भर दे भर दे, ओ दामन भर दे भर दे। चश्मे करम कर दे मौला, दामन मेरा भर दे मौला। उम्मीदों की आस न टूटे, भाई बहन का साथ न छूटे। उम्मीदों की आस न टूटे, भाई बहन का साथ न छूटे। रिश्तों का विश्वास न रूठे, रिश्तों का विश्वास न रूठे। अब किसको पुकारे तेरे गम का मारा। दामन भर दे भर दे, ओ दामन भर दे भर दे। चश्मे करम कर दे मौला, दामन मेरा भर दे मौला। जिसने तुझे पुकारा मौला, उसको मिला सारा। दामन भर दे भर दे, ओ दामन भर दे भर दे। दामन भर दे भर दे, ओ दामन भर दे भर दे। डॉक्टर साहब, ऊपर वाले के करम से सब ठीक है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।
इसे मत छूना, ये कैंची है, सीजर है, लग जाएगी। नहीं नहीं, इससे तुम्हारा ऑपरेशन कर। मेरा ऑपरेशन? हाँ, तुम्हारे बेटे ने बोला तुम्हारा ऑपरेशन कर दूं जल्दी, बहुत रो रहा था फोन करके, बोला ठीक है तुम्हारा ऑपरेशन कर दूं। मेरे बेटे ने ऐसा कहा? अरे बाबा तुम्हारा ऑपरेशन है। नहीं नहीं, अभी फोन आया था तुम्हारे बेटे का। चलो, अरे पकड़ो इसे, पकड़ो, अरे छोड़ देना, पागल है ये, पकड़ो इसको, ऑपरेशन, अरे वो लग जाएगी, पकड़ो उसको, डॉक्टर का ऑपरेशन अरे आप काहे बोल रहे हैं? अरे हमको चिंता है ना, अरे हमको, अरे हम मर गए क्या? अरे आप ऐसा ही बोलते रहते हैं। सर आपका अर्जेंट फोन है। अर्जेंट फोन है? हम बोलता हूँ सर, मैं आपका सेवक हेमंत सिंह बोल रहा हूँ। भाई नीतू सिंह भाग गई है हॉस्पिटल से। हाँ? आप लोग जाइए जाइए जाइए। अरे क्या बोल रहे हो भाई, बाघ मारे किधर है? बैरेज बाघ मारे, बाघ मारे, हम बीपीएल बोल रहा हूँ। बोलो बीपीएल। वो ससुरी भाग गई है हॉस्पिटल से। क्या? जहाँ पर भी मिले उसे गोली मार दो, गोली मार दो। अरे भाई पांचाल, सर भैया एक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कहे नहीं पहुंचा अभी तक। नहीं सर, वो तो जिंदा है। क्या? वो अभी तक जिंदा है? अरे जिंदा आदमी का कहीं पोस्टमार्टम होता है, फिनिश कर दो उसे। अरे सर जिंदा आदमी को कैसे मार दूं? अरे सुनो, हमने सोचा है कि हम तुमको मेडिकल फैकल्टी का हेड बनाऊंगा। मुझे नहीं बनना है सर। 10-15 लाख भी दूंगा। जी नहीं। ए पांचाल, रीत से काम करना है तो कराओ, नहीं तो रीत से काम करवाना हम जानता हूं। जी जी, समझ गया सर, समझ गया। मैं सीबीआई चीफ सावंत हूं। कानून और इंसानियत की हिफाजत करना तो डॉक्टर का सबसे बड़ा धर्म होता है। अरे भाई राम सैन, ये ले मिठाई। करीम मियां, न होली है न दिवाली, ये लड्डू किस खुशी में? खुदा का नेक बंदा हुसैन आज जेल से रिहा हो रहा है, ले एक और डबल मिठाई खा। हुसैन आज तू जेल से रिहा हो रहा है, मुबारक हो। जब तक दिल नहीं मिलते हम हाथ नहीं मिलाते। दोस्ती के नाते ना सही, दुश्मनी के नाते हाथ मलाला। वे सोच ले, जब मैं दुश्मन के साथ हाथ मिलाता हूं तो उसके हाथ की जीवन रेखाएं मिट जाती हैं। ओए, मेरे जाने के बाद बेबस कैदियों पर जुल्म मत ढाना। ये तेरा मशवरा है या धमकी? जो भी है इसे अपने कोल रख, बाकी रही कैदियों की बात,
यहाँ का हर कैदी मेरी मर्जी से जिएगा और मरेगा। ओए, तो तुम उनके खुदा बनना चाहते हो? बनना चाहता हूं और खुदा बनूंगा भी। दिल उनका होगा लेकिन उनकी धड़कनों पर मेरा कब्जा होगा और मैं ये भी फैसला करूंगा कि कौन कैसे जिए, कब तक जिए, मरे तो कैसे मरे। ओए जेलर, एक बात याद रख, तो जैसे खुदाओं के चेहरे की आरती नहीं उतारी जाती, चेहरा ही उतार लिया जाता है। जिस तरह लोग अपने घर के दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांगते हैं ना, उसी तरह मैं तेरे चेहरे को जेल के दरवाजे पर टांग दूंगा ताकि फिर कोई राक्षस इस वर्दी में अंदर ना दाखिल हो सके। खुदाफिस। अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे। ओए ओए, तू जा यार, जा। या अल्लाह, आज ईद का मुबारक दिन है, हर घर में खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन ये घर उन खुशियों से महरूम है। या मेरे अल्लाह, इससे पहले कि इन आंखों में अपनी औलाद को देखने की रोशनी ही ना रहे, तू मुझे अपने लाल से मिला दे परवरदिगार। आज एक माँ तुझसे अपनी नमाज और रोजों का सिला मांगती है, मुझे अपने लाल से मिला दे मेरे अल्लाह। अम्मी जान, अम्मी जान, अब मैं आ गया हूँ। हुसैन, हुसैन, हुसैन मेरा बच्चा, हुसैन मेरे बच्चे। अम्मी जान, तू आ गया, अल्लाह ने मेरी सुन ली। अल्लाह तेरा लाख शुक्र है मेरे मालिक, तू आ गया। रजिया, कौन है अम्मी? अरे देख तो कौन आया है। अम्मी कौन आया है? भाईजान, 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 भाई, शुक्र है अल्लाह तेरा। सचू, तू रो क्यों रही है? मैं रो नहीं रही हूँ। नहीं भाईजान, मैं तो इन मोतियों से आपकी नजर उतार रही हूँ। अरे रुला दिया ना इसको, इतने सालों बाद ये घर आया है, इसके लिए कुछ खाने के लिए लाना। जा रजिया। हाँ अभी लाई। हाँ बेटा, यहाँ बैठ। कैसा है तू? मेरे सर पर तो तेरी दुआओं का साया था माँ, पर देख रहा हूं इन 5 सालों में मेरी माँ, मेरी बहन को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी। ये तो उम्र की थकन है बेटा, लेकिन तेरे माथे की लकीरें तेरी दुखों की दास्तान सुना रही है। तेरी आंखें कह रही है कि तू एक रात भी चैन की नींद नहीं सोया। अब तू घर आ गया है, चैन से दो रोटी खा ले, आराम कर। देख लिया भवानी प्रसाद लल्ला से टकराने का अंजाम। अपनी बर्बादी का बीज तूने बोया है, फसल मैं काटूंगा। जेल से छूटते ही तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। We'll be right back.
हुसैन, तू किसे मारने जा रहा है? उसे अमी जान, जिसने हुसैन के माथे पर मुजरिम का दाग लगा दिया। 5 साल में जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि जब मैं जेल से निकलूंगा और उसे उसकी जिंदगी से आजाद कर दूंगा। तो फातिमा का बेटा खून करेगा? हुसैन के नाम के साथ करबला की तारीख जुड़ी हुई है। उन्होंने उन जालिमों को माफ नहीं किया, बल्कि उस जिहाद में खुद शहीद हो गए। मुझे तेरे फैसले पर एतराज नहीं, पर मुझे इतना बता कि तेरे बाद तेरी माँ और तेरी बहन का क्या होगा? फिर भी तू अपनी मन की करना चाहता है तो बेशक जा, मार डाल उस भवानी को, ताकि जिंदगी भर तेरी बहन की हथेली मेहंदी को तरसे और मेरा जनाजा तेरे कंधों को। मैं जानती हूं इन 5 सालों में क्या बीती होगी तुझ पर, क्या कुछ सहा होगा तूने, लेकिन अपना इंतकाम पूरा करने से पहले तुम्हें एक भाई का फर्ज अंजाम देना है। अपनी बहन के हाथ पीले करते फिर मैं तेरे इंसाफ के रास्ते में नहीं आऊंगी बेटा। हुसैन बेटा, अब ये गुस्सा छोड़, बहुत सारी जिम्मेदारियां तुझे निभानी है। आ देखो बेटा, तुझे तेरी अम्मी जान की कसम है, जब तक अपनी बहन को डोली में बिठाकर रुखसत नहीं करेगा तू किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। ये ममता की बंदिशों का धागा है। यही है हुसैन साईं का घर। हाँ हाँ हाँ, हुसैन साईं का घर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा है बाबा। हाँ तुम यहाँ रुको बाबा, तुम्हारा 10 साल हुआ तरक्की नहीं हुई ना? हाँ तुम्हारा पेपर में साइन कर दूंगा, तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। कर दीजिए, थैंक यू। मेरी तरक्की नहीं हुई, तुम्हारी कैसे होगी? होम मिनिस्टर का दिमाग खराब हो गया, किधर किधर भेज देता है। अरे बाबा, कोई घर में है? हुसैन साई कौन? माता जी को प्रणाम, बहन जी को नमस्कार। हुसैन साई किधर है? लेकिन क्या बात है, आप कौन है? मुझे सीताराम गिडवाणी कहते हैं बाबा। मैं होम मिनिस्टर का चमचा हूँ ना, आई मीन उनका पीए। उन्होंने आपको बुलवाया है मुझे। हाँ देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं किसी होम मिनिस्टर को नहीं जानता। अरे बाबा, उन्होंने खुद ने सरकारी वाहन भेजा है आपके लिए और कहा है कि पूरे मान सम्मान के साथ लेके आना। देखिए, मैंने कह दिया ना कि मैं किसी को जानता नहीं, तो आप यहाँ से जाइए। मैं जाऊँ? हाँ जी। आप मेरे को नहीं जानते? नहीं, मैं आपको नहीं जानता। होम मिनिस्टर को? अरे नहीं बाबा, मैंने कहा ना मैं किसी को नहीं जानता। माता जी कुछ करिए ना। बेटा हुसैन, नौकरी का सवाल है, इतने बड़े आदमी ने बुलाया है, कोई काम की बात? अम्मी जान चला जा बेटा, इतना कह रहे हैं। ठीक है, आओ बाबा, रास्ते में पकौड़ा खिलाएगा, पकौड़ा खिलाएगा। चलो आओ आओ आओ। अच्छा तो ये बात है, आखिर भवानी प्रसाद की मुराद पूरी हो ही गई, मिनिस्टर बन ही गया। अरे बाबा, झूले लाल की कृपा है ना, वो राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है। आओ। अरे आइए आइए हुसैन मियां, हम तो सोचे थे कि आप जेल से निकलते ही सीधे हमारे पास आओगे और अपना जेल जाने के पहले दिया हुआ वादा पूरा करोगे, लेकिन लगता है जेल की 4 दीवारी में 5 साल बिताने के बाद आपकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। क्या कहा था तूने कि 5 साल बाद जब जेल से बाहर आएगा तो हमको फिनिश कर देगा? भाई देखो देखो जरा, कैसे बुजदिल की तरह खड़ा है। आए हुसनवा, हमको तो लगता है कि तुम्हारे रगों में दौड़ने वाला तुम्हारा माँ का दूध पानी हो गया है, पानी। सर, आपकी गाड़ी का लाल लाइट और पुलिस का खाकी वर्दी, ये सब देखकर बेचारा घबरा गया है नी, सोचता है आपको मार डालेगा तो बाकी का बचा हुआ जिंदगी भी जेल में काटना पड़ेगा नी। इसका खामोशी तो मेरे को ये बता रहा है कि इसने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है। अगर ऐसा है सीताराम जी, तो इससे कहे कि हमारे पांव पड़ जाए, हमसे माफी मांगे, हमरे तलवे चाटे, फिर हम इसकी जिंदगी खैरात में देने के लिए तैयार हैं। माँ की बंदिशों से बंधा ये हुसैन मजबूर है, वरना तेरे इस बेईमान जिस्म को यहीं ढेर कर देता। आए हुसैनवा, तू हमको 5 साल का मोहलत दिया था, लेकिन हम तुमको 15 दिन का मोहलत देता हूं। 15 दिन के अंदर अपनी माँ और बहन के साथ ये शहर छोड़ के भाग जा।
वरना पहले तेरी माँ को, उसके बाद तेरे बहन को, और उसके बाद तुझे मारूंगा। Now get out! वेलकम सर। अजीब बात करते हो तुम बाघ मारे। अरे चीफ मिनिस्टर कैसे नहीं बनेगा भाई? हाई कमान को जी हुजूर करेंगे, हम आ गए, हम इस सब के लिए इधर आए हैं। तो बाघ मारे, मैं देख रहा हूँ जो तुम देख रहे हो। मैं तो सी मैं देख रहा हूँ ना, ये तो वही दिख रही है भाई। वेलकम मैडोना जी। कैसे हो सकता है? थैंक यू, वेलकम। क्यों वही दिख रहे हैं? वेट। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते। लंदन से कब आई आप? ओह शास्त्री जी, आप मैडम लंदन से परसों आई हैं और अभी अभी हम दिल्ली से आ रहे हैं। क्या शो है आपका? शास्त्री जी, अगर हमारा शो होगा तो आपको इनविटेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फिर शो पे मुलाकात होगी। ओह श्योर, चलिए मैडम। स्वागत है जी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। ये कौन? अरे इन्हें नहीं जानते आप? लंदन की मशहूर पॉप सिंगर है ये। अरे कई बार मिल चुका हूँ मैं इनसे। वहाँ पर मुलाकात हुई थी आपकी? इन्हें देखकर आपको भी कुछ हो रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप ही तो लेने आए थे। चलो फिर चलो। मैडम मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? हमको कोई पसंद ही नहीं आया अभी तक। तो फिर आपकी पसंद क्या है? क्या आप किसी हिंदुस्तानी से शादी करेंगी? Of course, why not? My mother, she married an Indian, you know, and my grandmother, she married an Indian. I'll marry an Indian too. Aisa, hum hai Indian, hamra juta Indian, hamra kapde Indian, hamra dil bhi hai Indian. Doctor, no, thoda kala. बोले में फनी होना चाहिए, जो हमको हमेशा हमेशा हंसाता रहे। अपने बारे में आपका क्या ख्याल है? जब भी मैं अपने पति के साथ घूमने जाऊं, तो आगे पीछे एस्कॉर्ट हो, लालवती का गाड़ी हो, वो आवाज आती है ना गाड़ी का, हमको बहुत अच्छा लगता है। मैडम जी मैं आ रहा हूँ, मैडम जी मैं आ रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी भी है जिसमें भोपू भी है, जिसमें लाल लाइट भी है। मैं आ रहा हूँ मैडम, आप रुकना, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ भाई? वो जिंदा कैसे हो सकती है? कौन 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 जिंदा कैसे हो सकती है? वो नीतू सिंह, मैंने खुद अपने हाथों से गोली मारी उसे। अरे भैया वही तो हम कह रहे हैं, तुमने नीतू सिंह को अपने हाथों से ठाई की, हमने देखी उसकी बॉडी और फिर तुम गए उसके चौथे पर। हाँ? वो नीतू सिंह हो ही नहीं सकती। अरे वो तो इंटरनेशनल पॉप स्टार मैडोना है। अरे आज हम उसका इंटरव्यू भी देखे हैं टीवी पर। अरे हाय हाय हाय, कितने प्यार से कह रही थी कि उसको एक भारतीय मर्द के साथ शादी रचानी है। तो हम सोचे देखो, हम भी हैं भारतीय और है भी मर्द, तो हमने कहा क्यों अगर तुम थोड़ा सा उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। बहुत ही अपॉइंटमेंट उसके साथ, जरा जरा। अब ये काम भी मुझसे कराएगा? तूने समझ क्या रखा है मुझे दोस्त? अरे भैया दोस्त के लिए ये सब करना बहुत पुण्य का काम है, ऊपर वाला भी देखता है। और देखो अगर तुम हमारे लिए ये सब काम करोगे तो हम भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल थोड़ा जल्दी करो बाघ मारे, भवानी प्रसाद लल्ला बीपीएल का दिल मैडोना के लिए धक धक कर रहा है, धक धक। बनवारी जल्दी करो। अरे सर फूल तो हमारे पास है। अरे आइए सर, आइए आइए आइए, क्या शानदार घर है सर, देखिए सर, आइए आइए, मैडोना जी घर में है। ओह नो, नेक्स्ट वीक नो, हमारे पास 6 मंथ्स के लिए नो टाइम। आई नो चीफ गेस्ट, बट सब हमको चीफ गेस्ट का नाम पे ही बुलाएगा। No, I have an appointment with beauty parlor. Yes, कौन है आप लोग? Whoa, 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 hold it, आप लोगों की तारीफ। अरे, आप इन्हें नहीं जानती? अरे ये हमारे स्टेट के होम मिनिस्टर हैं, मिस्टर भवानी प्रसाद लल्ला उर्फ बीपीएल। नमस्कार। नमस्कार। एक मिनट। एंड आप? मैं इनका सेक्रेटरी हूँ, बनवारी प्रसाद प्रार्थना। क्या काम है? अरे इन्हें प्रिंसेस मैडोना जी से मिलना है। जी। वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट? अरे जिनके आप बड़े बड़े मिनिस्टर रसोई बनाते हैं उनके आप? यस मैम। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार मैडम। मैडम हम आपका टेलीविजन पर इंटरव्यू देखा, बहुत ही अच्छा, यकीन मानिए
अगर आप जैसा विचार हमारे देश के जनता में हो जाए तो हमारे देश में ऊंच और नीच फिनिश हो जाएगा। हमारा दिल खुश हो गया है, हमारा मन करता है कि हम आपको एक बड़ा सा पार्टी दूं। जूली, यस मैम, इनको बोलो फर्स्ट मीटिंग में हम इतना करीब किसी को आने को नहीं देता। नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी मैडम, आपको गलतफहमी हुआ है। हम लोग पहले एक बार मिल चुका हूँ एयरपोर्ट पर, जहाँ पर हाईकमान ने हमको आपको इंट्रोड्यूस किया था। हमको कुछ याद नहीं आता है अभी। बड़े लोग भूल जाते हैं, हम बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन मैडम हमको बैठने को नहीं कहिएगा, हम होम मिनिस्टर हूँ। ओके सज्जन, थैंक यू। यस बोलिए, हमको भी गेम खेलने का इसके ऊपर। एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम इतना करीब से आपको देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि हम एयरपोर्ट के अलावा भी हम कहीं आपको मिल चुके हैं। आपका कहीं अभी आपने हमारा टीवी पर इंटरव्यू देखे है ना? अरे टीवी में इंटरव्यू तो देखा, क्या कमाल इंटरव्यू देखा, कसम से कह रहे हैं जब से वो इंटरव्यू देखा है हमारी घंटी में घंटी ही बजता जा रहा है, टन 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 रुकता ही नहीं है। हेलो मैडम, मैं पीएम हाउस से सीना बोल रहा हूँ। पीएम हाउस से बोल रहे हैं, सीना साहब कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? हम ठीक है। आप पीएम साहब कैसे हैं? वो अच्छे हैं, आपको बहुत याद करते हैं। सारा इंतजाम कैसा रहा? It was great, excellent. हमारे मुल्क में आपको कोई तकलीफ तो नहीं मैडम? नहीं नहीं, आपका मुल्क में हमको कभी तकलीफ नहीं होता है। मैडम पीएम साहब आपको इनवाइट कर रहे हैं। पीएम साहब को बोलेगा इस समय हम नहीं आ सकेगा, क्योंकि 27th को हमारा वाशिंगटन में बिल क्लिंटन के साथ अपॉइंटमेंट है। जूली 27th राइट? यस मैम। हेलो, ओह मिस्टर बिल क्लिंटन फ्रॉम वाशिंगटन। बिल क्लिंटन? मिस्टर बिल क्लिंटन फ्रॉम अमेरिका। Hello, Mr. Clinton. How are you? Good. What about you? I'm fine, thank you. Okay, I'm coming to your country to meet you on the 27th. Yes. You don't come, Aruna. In fact, I'm coming to India myself after 15 days. Sir, are you coming? 15 days in India? हम 15 दिन यहाँ क्या करेगा जूली? अरे मैडम क्या बोल रही हैं आप? अरे इंडिया बहुत, इंडिया इज ब्यूटीफुल वेरी। अरे हम जब आपको इंडिया दिखाएंगे तो आप 15 दिन का 15 साल रहने को तैयार हो जाएंगी पार्टी से। बिल्कुल सर, इंग्लिश में बोल, इंग्लिश में। यस सर। मैडम हम आपको बिहार के भैंस के दूध का चाय सुबह शाम पिलाएंगे पार्टी से। जूली इसको पूछो ये किस काम का वास्ते इधर आया है। सर किस काम का वास्ते इधर आया है? हम किस काम के वास्ते आया है? मौका अच्छा, बोल दीजिए, बोल दीजिए। मैडम जर हम नहीं बोल सकता हूँ, तू बोल। मैडम दरअसल बात यह है कि जब से आपको टीवी में आपकी शादी की बात कहते हुए इन्होंने सुनी है, इनके दिल में बम फूट गया है, फुलझड़ियां जल उठती है। हाँ मैडम, बम फूट गया है, फुलझड़ी। अब हम नहीं बोला मैडम, ये बोला है। काहे बोला तुम? वैसे मैडम आप टीवी के इंटरव्यू में बोले है ना कि आपको किसी हिंदुस्तानी मर्द से शादी करना है, किसी अभिनेता या नेता से। वैसे हमारे बारे में आपका क्या ख्याल है? जूली मैडम, मैडम आपको तो सांवला का बन पा रही। यही बात बोलने आए थे ना? यस सर। हमें ऐसा कहे लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई। आपसे गलती नहीं हुई है सर। तो फिर क्या हुआ? मैडम नाराज हो गई। मैडम नाराज हो गई, तो क्या करना चाहिए? वेरी सिंपल। क्या जी? हिंदुस्तानी स्टाइल से मैडम से माफी मांग लीजिए या फिर उनके पैर पकड़ के लेट जाइए। हम ऐसा कैसे कर सकते भैया? अरे हम होम मिनिस्टर हो। अरे होम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो यार, सर गाड़ी छूट जाएंगी तो आप लटक के रह जाएंगे। क्या कहते हो? हम जाता हूँ मैडम। मैडम हमसे नाराज मत होइए, मैडम हमसे नाराज मत होइए। अरे मगर हमको अपनी कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या कह रही है मैडम? हम अपना दिल आपको दे चुके हैं, अगर आप अपना दिल ठुकरा देंगी तो हमारा दिल बहुत कमजोर है मैडम, तो हमारा दिल फेल हो जाएगा। मैडम हमको अपने चंदो बच्चा कह दे दीजिए मैडम। अगर आपने ऐसा नहीं दिया तो हम आपका रंजन कर देंगे, हम भूख हड़ताल कर देंगे, हम अपनी जान दे दूंगा भैया। मैडम 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 हाँ मैडम माफ कर दो। वेरी गुड, ऑल राइट। सुनो मगर जूली इनको बोलो इनको थोड़ा चेंज करने को पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बदल दूंगा मैडम, बदल दूंगा। बात करने का स्टाइल, टॉकिंग। अरे बदल दूंगा। क्लोथ्स, कपड़े। अरे सारे कपड़े बदल दूंगा मैडम। चलना, वॉकिंग एंड ऑल। चलना बल्ला सब कुछ बदलूंगा मैडम, बस हां कह दो। तो फिर हम रिश्ता पक्का समझो।
ठीक है, हम आता हूँ मैडम, हम सब कुछ बदल कर भी आता हूँ मैडम, आप जाइएगा बस मैडम, मैडम एकदम पूरा सबको फेंक देगा मैडम, हम बदलूंगा, आप देखिए मैडम आपके दिल में हमारा ही जगह रहेगा, मैं किसी और को जगह बदल दीजिएगा, आई एम गोइंग आइए सर आइए। You know, मदर, क्या स्मार्ट लग रहा है। अरे हैंडसम है। क्या बात? आइए। मैडम, मैडम, गुड मॉर्निंग। ओके, या। मैडम, गुड मॉर्निंग। ओके, बाय। मैडम, गुड मॉर्निंग। हमने अपना सब कुछ बदल दिया है मैडम। अपना स्टाइल, कपड़ा, सब कुछ। Now I can talk English. Now I can walk English. Now I can dance with madam. Sit down. Can I sit down? बैठ जाओ मैडम, बैठ जाता हूँ. मैडम हमारी कंट्री में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैडम फिर उस आदमी का फोन आया है. फोन आया, वेरी गुड. हेलो, वेरी गुड. फिर हमको जान से मारने का धमकी देता है? हेलो मैडम, क्या प्रॉब्लम है? हमको इस कंट्री में हमारी लाइफ को बहुत बड़ा डेंजर है. हमको रोज फोन करके बोलता है कि हम कंट्री नहीं छोड़ेगा तो हमको मार डालेगा. अरे मैडम आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका बाल भी बाका नहीं होगा, आपका जिंदगी हमारी जिंदगी है और हम स्टेट के होम मिनिस्टर हूँ, होने वाले चीफ मिनिस्टर हूँ, आप घबराइए मत. नो नो, आई एम गोइंग बैक टू माय कंट्री, आई डोंट वांट टू लिव हियर. नो मैडम, नो मैडम, डोंट गो, मत जाइए, अगर आप चली जाएंगे तो हमारा दिल टूट जाएगा, हमारे पूरे स्टेट का दिल टूट जाएगा. अरे हम पूरे स्टेट का फोर्स लगा देंगे आपके सिक्योरिटी में, हम अपना सिक्योरिटी का जो चीफ है बागमारे उसको आपके पास डिपोर्ट कर देंगे. लेकिन आप मत जाइए मैडम, प्लीज प्लीज. Yes, yes, yes. जूली? Yes, ma'am. ये रोमियो क्यों भौंक रहा है? घर में कोई दूसरा कुत्ता आया है? ma'am, मैं अभी देख कर आती हूँ. हाँ, देखो. Hello, कोई है? Hello, कोई है घर में? Hello, अरे भाई कोई है घर में? Yes. जब आप हैं यहाँ तो फिर मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब? Who are you? हम ASP बागमारे. क्या मारे? बागमारे. बागमारे? बागमारे. Whatever, whatever. क्या काम है? हमको होम मिनिस्टर साहब ने मैडम मैडोना की सिक्योरिटी के लिए भेजा है. मैडम की सिक्योरिटी के लिए है? मैडम मैडम मैडम, ये कोई हवलदार आया है, होम मिनिस्टर साहब ने भेजा है, अपने आप को SP टांग, मेरा मतलब है वाग मारे बोलता है. और जूली इनको पूछो, होम मिनिस्टर ने इनको बताया है कि इनको और क्या क्या करनी है यहाँ पे? बताया है क्या? जी हाँ, आपकी जान को खतरा है इसलिए आपकी सिक्योरिटी के लिए आया हूँ. जूली? यस मैम. इनको पता है सिक्योरिटी के साथ साथ इनको क्या करनी है? आई मीन यू नो, जब हम सुबह उठता है तो हमारा बेडशीट बनाने का, फिर रोमियो हमारे डॉग उसको बिस्किट देने का, फिर हमारा कपड़ा इस्त्री करने का, फिर हमारा जूता साफ करने का. What? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ मैडम, ये सब करना मेरी शान के खिलाफ है. What? जूली, होम मिनिस्टर साहब को फोन करो और पूछो ये कैसा यूजलेस आदमी हमारे पास भेजा है और बोलो इसको अभी का अभी सस्पेंड करने को मांगता है. नो नो, फोन मत करिएगा, आप जैसे कहेंगी मैं करने की कोशिश करूंगा. लगता है भवानी प्रसाद की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है. ओए, उस लड़की की चकाचौंध ने दिमाग खराब कर दिया है उसका. जानते हो उस सिर फिरी औरत ने जूते साफ कराए मुझसे, जूते.
गुस्सा तो ऐसा आ रहा है कि उन्हीं जूतों से मार मार कर भवानी प्रसाद की जान निकाल दूं मैं। अरे यार तू शांत हो जा, मैं जाकर उस मूर्ख को समझाता हूँ ना, समझाता हूँ। अरे कौन सा ऐसा तूफान आ गया अगर हमारी मेम साहब ने उससे जूते पॉलिश करवा लिए। अरे तुम्हें तो याद है हमारे हॉस्टल में सबसे ज्यादा जूते वो ही पॉलिश करता था, याद है कि नहीं? याद है, पर अब वो पुलिस ऑफिसर है और ये सब करना उसकी शान के खिलाफ है। फिर वो हमारा दोस्त है। ओए ओए, इसी दोस्ती की वजह से तो हमने उसकी मदद की, उसका यूनिफार्म पर सितारे लगवाए, उसको पोजीशन पर पहुंचवाया। आज अगर उसके थोड़े से काम से हमारी मलिकाए बिहार को थोड़ी खुशी मिलती है तो उसको क्या प्रॉब्लम है। अरे लोग तो अपने दोस्त का घर बसाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। उससे तो मैडम ने सिर्फ जूते साफ करवाए। उसे समझा मेरे यार, उसकी यह कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। लुक मिस्टर बीपीएल, तुम हमको बहुत अच्छा लगता है। सच? हाँ, तुम्हारा अंदाज अच्छा लगता है। हाय। तुम्हारा फनी बात करने का तरीका अच्छा लगता है। बट हम तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता। क्यों मैडम? क्योंकि हमारे मामा लंदन में हैं और मामा के बिना हम शादी नहीं कर सकता। तो मैडम नो प्रॉब्लम, ये जो बीपीएल है वो तुरंत अमेरिका जाएगा और लंदन से आपकी मम्मी को लेकर आएगा। हम जाता हूँ। ए बीपीएल, इसकी माँ को मैं लंदन से ले आया हूँ। आइए माँ जी, मैं आपकी बेटी से आपको मिलाता हूँ। कहाँ है मेरी बेटी? वो देखो, वो सामने बैठी है। ये कौन ओल्ड लेडी है? ठीक से देख लीजिए, ये आपकी माँ नहीं है। I don't know her, she's not my mom. आपकी माँ नहीं है? No. आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? ये तुम्हारी माँ नहीं है ना? No. BPL, yes, madam. आपका देश में सीनियर लेडीज के साथ ऐसा बिहेव करते हैं? हमारे देश में बदतमीज लोगों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं? Always spoils my mood, this man. Take him away. हाँ मैडम। Irritating. मैडम, अरे क्या तू हरदम आता है और सब कुछ खराब कर देता है? हमने मैडम का दिल तोड़ दिया तो? चुप रहो यार, तुम समझा करो। क्या समझे? यार मैं अंधे हो रहे हो तुम। क्या हो गया? बदला लेने आई है हमसे। बदला लेने आई? पछताओगे तुम। अरे हमारा दिल लेकर गई और तुम यहाँ से जाओ। मैडम आप जाइए, आप जहाँ से भी आई आप जाइए। जा रहे हैं, जा रहे हैं। अरे जाइए, आप हमारी मैडम का दिल तोड़ दिया। अरे जाइए, चलो। अरे जाइए मैडम, आप जाइए। माँ को हुसैन के घर छोड़ना ही अच्छा रहेगा। ओह, मैरी, जूली को बोलना पीएम हाउस में फोन करके हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स करने को, ओके? ओके। और लंदन से मम्मी का फोन आएगा तो बोलना नॉट टू वरी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन हियर। अरे मैडम, ओके। इस समय इतनी रात को आप बुर्का पहन के कहाँ जा रही हैं? ओह गॉड, टू मेनी क्वेश्चंस। This man is very irritating. Mary, BPL को बोलो, change this security person. I don't want him. मैडम आप नाराज मत होइए, आप यहाँ से अकेली कहीं ना जाएं, ये होम मिनिस्टर साहब का हुक्म है। God, what is this hukum man all the time? सुनो, तुम हमारे साथ किधर नहीं जाएगा, तुम यहाँ रहेगा, हमारा फोन कॉल अटेंड करेगा, हमारे कपड़े को इस्त्री मारेगा और हमारे रोमियो के साथ डिनर करेगा। ये हमारा हुक्म है, अंडरस्टैंड? हेलो। हाँ बोल वागमारे। मिस मेडोना अभी बुर्का पहन के निकली है यहाँ से, लगता है वो हुसैन के घर जाएगी। तू अभी जा उसके पीछे। अरे यार ये भी कोई वक्त है कहीं जाने का? तू सिचुएशन को समझा कर यार। चल ठीक है, ओए चलो। आंटी, नीतू बेटी आओ आओ अंदर आओ। हाँ। क्या बात हो गई, अचानक इतनी रात? दरवाजा खोलो, ओ दरवाजा खोलो। तू इधर से जा। जी साहब। तू पीछे से जाना, ओ दरवाजा खोलो। तू क्या बात है जेलर, मेरे बिना दिल नहीं लगा कि मुझे मिलने मेरे घर तक चले आए? दिल तो वाकई नहीं लगा क्योंकि ललकार सिंह के दरबार से कनीज तेरे घर पे आ गई। मर से तो निपट नहीं सके, अब लड़कियां भी तुझे मार देने लगी हैं। अपनी औकात में रह के बात कर, ओए आवाज नीची रख। जेल में मैंने तुझे ऊंची आवाज में बोलने नहीं दिया,
ये हुसैन का घर है। सर वो भाग रही है। छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? रुको। अरे मैंने क्या किया है? क्यों, बड़ी चालाक और होशियार समझती है अपने आप को? ये किसको पकड़ लाए तुम? लगता वो चालाक हमको चकमा देगी। ओए हेलो सर, मैं नीतू सिंह बोल रही हूँ। हाँ नीतू बोलो। सर भवानी प्रसाद और वाघमारे के अलावा जेलर ललकार सिंह भी सीएम के मर्डर में शामिल है। Are you sure? हाँ, वो ही सबसे बड़ा गुनहगार है क्योंकि उसी ने टाटिया को जेल से भगाने में मदद की थी। तुम उनसे मिली? नहीं, उनसे मैं नहीं मिली सर, लेकिन यहाँ के सीएम से मैं कल मिलने वाली हूँ। अपना ख्याल रखो। हाँ, डोंट वरी सर, आई विल डू माय बेस्ट। नीतू, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी मेहनत और कुर्बानी हमारे डिपार्टमेंट के लिए मिसाल बन जाएगी। थैंक यू सर। सीबीआई ऑफिसर मिस नीतू सिंह उर्फ मैडम मैडोना, मेड इन लंदन। मुझसे कपड़े धुलवाए, मुझसे कपड़े इस्त्री करवाए, अपने कुत्तों को मुझसे बिस्किट खिलवाए, मुझसे जूते पॉलिश करवाए। जूते, उन्हीं जूतों से मार मार कर तेरी चमड़ी ना उधेड़ी तो मेरा नाम बागबानी नहीं, देख लूंगा तुझे। नमस्ते साहब। साहब तो घर पे नहीं है। कहाँ चला गया ये? ना तो उसका फोन लग रहा है और ना वो घर पर है। दूसरे घर पे आप पता कर लीजिए। अरे वो वहां भी नहीं है यार, वो जैसे ही आए उसको कहना बहुत जरूरी काम है, मुझसे बात कर ले। हो सकता है साहब देर से लौटे। अरे वो जब भी आए। जी सर। मुझसे बात करवा उसकी। जी। ऐसा बेवकूफ आदमी क्या क्या हरकतें करता रहता है। चलो Ha ha ha.
ये खूबसूरत नागिन तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसाकर हम सबसे बदला ले रही है। अरे सगा, बदला तो तुमने हमसे लिया है। अपने दोस्त से गद्दारी करके हमरे होने वाली धर्म पत्नी को बुरी नजर से देखा तुमने। और तो और, ये हमारा इज्जत लूटने का कोशिश किया। और जब हम आपका नाम लिया तो बोला बीपीएल का जिंदगी तो मेरा मुट्ठी में है, मैं उसको सीएम मर्डर केस में फांसी चढ़ा देगा। झूठ बोल रही है ये। ए, बनो मत बाग मारे। ये बात मैडम को कैसे पता कि हम सीएम का मर्डर करवाए? ये बात तो दो ही लोग जानते थे ना, एक तुम और एक हम। बोलो, एक बात तुम भूल गए, बीपीएल का एक उसूल है कि दुश्मन दुश्मनी निकाले उसके पहले ही हम उसको। हमसे दुश्मन हमारे खातिर आपका दोस्त का खून कर डाला। अरे मैडम, ही तो एक है, आपके खातिर तो हम हजारों दोस्तों को खत्म कर देंगे। Oh, I'm so lucky. Thank you, madam. But अभी इसका क्या होएगा? इसका? मैडम, हमारे जो पालतू कुत्ते हैं ना, इसको प्रसाद समझकर नौच खाएंगे। स्टेट में बढ़ती हुई गुंडागर्दी को देखते हुए हम सब लोगों की राय है कि सीएम की कुर्सी आप ही संभाल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं संभाल सकता। नहीं नहीं, हम नहीं चाहते बनना चीफ मिनिस्टर। आओ भाई आओ, जरा इधर तेरे से बात करनी है। आप लोग इधर भेंट करिए, आता हूँ। ये तुमको कहा हो गया ललकार से? इतना सब लोगों का सामना तुम हमारी बेइज्जती खराब कर दिए, और हम स्टेट का होने वाले फ्यूचर चीफ मिनिस्टर हैं, तुम्हें तमीज है कि नहीं? बीपीएल, मुझे सिर्फ इतना बता, तूने वाघमारे को क्यों मारा? वाघमारे को हमने मारा? किसने कहा तुम्हें? और तू मेरे ना ज्यादा होशियारी ना करो, मैं तेनु अच्छी तरह से जानता हूँ। वाघमारे हमारा दोस्त था, हर जगह वो तेरे लिए खड़ा रहा, तेरा साथ दिया उसने। बीपीएल, मैंने तेरे जैसा कमीना और कुत्ता इंसान नहीं देखा। अब देख लो, देख लिए तुम, हम कुत्ता कमीना हूं, अब क्या करोगे तुम? एक बात याद रखो, हमरे ना पूर्वज कहे हैं कि जूती को जूते रहने दो, सर पे मत चढ़ाओ। हम गलती किए कि हम तुमको इतना बड़ा कर दिए। एक बात याद रखना ललकार सिंह, शुरू में जो तुम हमारे लिए किए हो उसका मुआवजा हम दे चुके हैं, अब फ्यूचर में भी हमारे साथ बनाए रखोगे तो उसमें ही तुम्हारी भलाई है। अभी हम जाता हूँ, कुछ लोग हमरा भेंट कर रहे हैं, चलता हूँ। ठीक कह रही है तुम बीपीएल, पाँव की जूती पाँव में ही रहनी चाहिए, सर पर नहीं। ओए गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे ललकार सिंह, तुम बैठो। थैंक यू सर। सर, मैंने अपना इस्तीफा डिपार्टमेंट को दे दिया है, उसकी एक कॉपी आपको देने आया था। तुमने ऐसा क्यों किया? सर, मैं दौलत और पावर के नशे में अंधा हो गया था, अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है कि मैंने अपनी ड्यूटी और फर्ज के साथ गद्दारी करके बीपीएल जैसे बेईमान आदमी का साथ दिया है। अब कानून मुझे जो भी सजा दे मुझे मंजूर है सर। ललकार सिंह, चलो देर आए दुरुस्त आए, हमें खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। सर, बीपीएल बहुत बड़ा मुजरिम है, उसकी हर चाल से वाकिफ हूं मैं, और उसके हर गुनाह का सबूत है मेरे पास। कानून को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं सर। नीतू सिंह ही मडोना, भवानी प्रसाद लल्ला और बीपीएल के साथ धोखा। अरे भाई, क्या खबर लाए हो? आपका दोस्त है ना ललकार सिंह? हाँ हाँ, ललकार सिंह, ललकार सिंह। वो आपका दुश्मन बन गया, कानून से मिल गया। तो हमारा दोस्त हमारा दुश्मन बन गया, कानून से मिल गया? तुम क्या कह रहे हो भाई सेक्रेटरी? हाँ बाबा, मैडोना के चक्कर ने आपको चक्कर में डाल दिया। नहीं बाबा, सीएम के खून के, बागमारी के खून के सारे सबूत उसके पास है, बचना बहुत मुश्किल है। अरे गिडवानी, तो कभी तो अच्छी खबर लाया कर। हमारे पे गुस्सा करने से क्या फायदा बाबा, ठंडे दिमाग से काम लियो। ठंडे दिमाग से नीतू सिंह की माँ है ना? नीतू सिंह की माँ? हाँ, वो आपके लिए आखिरी मौड़ा है।
आखिरी मोड़ा है। कौन है? चुप बुढ़िया। अरे छोड़ दो मुझे। चल उसको। छोड़ दो मुझे। चल बुढ़िया चल। बचाओ। तुझे पता चल जाएगा। ए माँ जी को कहाँ ले जा रहे हो? अरे रोको रोको कोई बचाओ बचाओ। हे भगवान क्या करूं अब? भाईजान। क्या हुआ? वो भवानी प्रसाद के आदमी नीतू जी की माँ को उठा के ले गए। आप प्लीज जाके उन्हें बचाइए। चल। अम्मी जान। हाँ मैं तेरी मजबूरी को समझ रही हूँ बेटा, लेकिन हाँ हुसैन हाँ जल्दी जल्दी मौसी जल्दी जा बेटा अपनी माँ को बचा ले। माँ? हाँ तुझे जन्म मैंने दिया है पर जिंदगी उस औरत ने दी है तुझे। आज से 20 साल पहले अपनी जान पर खेलकर अपनी आंखों की रोशनी गवाकर उसने तेरी जान बचाई। मुझसे ज्यादा उसका हक बनता है तुझ पर। हम दोनों उसके कर्जदार हैं बेटा और मुसलमान अपना कर्ज इसी जन्म में अदा करता है। जिस माँ ने तेरे हाथ पर ये बंदिश का धागा बांधा था आज वही माँ तुझे इस बंदिश से आजाद करती है। जा बेटा जा और खाली हाथ मत आना। इस मकसद में अगर तेरी जान भी चली जाए तो तेरी माँ का सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। अल्लाह तेरी हिफाजत करे। कहाँ ले आए हो मुझे? छोड़ दो छोड़ दो। अब अम्मा आ गई है तो बेटी भी आ जाएगी। हे अम्मा जी बताओ तो जरा आपकी बेटी कहाँ है? अरे अरे संभालो आप, बुढ़िया गिर जाएगी। बुढ़िया तेरा हुसैन हुसैन हुसैन। हाँ माँ मैं आ गया हूँ। चल Oh, my God.
छोड़ना मुझे। हट साले। हम गलती किया तो हम चलन किए, हम तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तो माफ। अपनी मौत की तरफ भाग रहा है। यहां छुप गया था हूं। ये रोशनी अनंता अनंता लाइए गोली मत मारो भाई। अब तक तुम हम तो आप ही के पास आ रहे थे, अपना गुनाह कबूल करना चाहते थे, हम तो गलती हो गई ना, ये लो इला 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 हमको माफ कर दो। हमको मारा, बाघ मारे को हमने मारा।